ओके क्लास, चैप्टर 1 बायो का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है। अब आपको ये पता है कि बुक आपकी चेंज हुई है, तो उस हिसाब से आप काम करेंगे, मैं आपको उस हिसाब से काम बताऊंगा। इसी वीडियो में आपको काम भी बता दूंगा कि आपने क्या क्या काम करना है। ठीक है, फिर उस हिसाब से आपने जितना अपना पुराना काम किया है वो भूल जाए, चाहे आपने इससे मिलता जुलता किया हो ना किया हो, लेकिन आपने अब क्या करना है ये जहन बनाना है कि आपने नया काम नए तरीके से शुरू करना है। ठीक है, और जितना काम मैं आपको दूंगा सब आप लोगों ने टाइम पे खत्म करना है। ठीक है, मैं किसी स्टूडेंट को ये नहीं देखूं कि वो सुस्ती दिखा रहा है काम करने में। तो बेहतर यही है कि आप लोग अपने अपने काम जब जितने टाइम पे बोला जाए आप उसको उतने टाइम पे करें। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा और जूम करना है तो मैं और जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये पहला चैप्टर है, ब्रांच है साइंस की, इंट्रोडक्शन है बायोलॉजी का। मैंने आपको बायो का मतलब बताया हुआ है, बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ। मैंने आपको क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया था, इस वजह से मैं इस वीडियो में वो सब नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, फिर लाइफ। अच्छा, ये जो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा उसकी बस आपने रीडिंग कर लेनी है थॉरली। ठीक है, क्योंकि वो जो चीज़ें मुझे लगता है कि वो पेपर में एग्जामिन नहीं करेगा, जो पेपर में चीज़ें नहीं आएंगी वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल जैसे बायोलॉजी की डेफिनेशन हो गई, बायोलॉजी की डेफिनेशन वो पूछ लेगा। फिर ये डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, ये मैंने आपको क्लास में कराया था, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब मैंने आपको क्लास में कराया था। तो ये जितने भी मैं आपको मतलब जो चीज़ें मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना वो सब आपने याद करनी है, और जो टॉपिक मैं आपको नहीं लिखवा रहा वो सिर्फ आपने पढ़ के जाना है। अच्छा, एक और बात सुनिएगा, जो चीज़ आप याद कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं समझिए कि उसको पढ़ना नहीं है। उसको पढ़ना आपने अलग है, उसको याद आपने अलग करना है, क्योंकि एमसीक्यूज पूरी बुक से बनते हैं। लेकिन जिन चीज़ों को मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये नहीं याद करिएगा, या फिर ऐसी चीज़ जो मुझे लगेगी, अगर मुझे लगेगी तो, कि अगर मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी पेपर में, मतलब इस चैप्टर से, हो सकता है आगे वो कोई टॉपिक किसी और नाम से पूछा जाए तो मैं वो आगे करवाऊंगा। लेकिन अगर इस चैप्टर के लिए वो चीज़ एग्जामिन मुझे ऐसा लगे कि नहीं होगी, तो फिर आप लोगों को सिर्फ उसकी रीडिंग करनी है। ठीक है, बाकी सब जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, लाइफ में आपको पता है जिंदगी गुजारने के लिए आपकी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस होते हैं, डाइजेशन का, मूवमेंट का, एक्सक्रीशन का, रेस्पायरेशन का, यानी कि हमारे अंदर जो जब हम खाना खाते हैं वो हजम होता है, उसका प्रोसेस है। हम चलते हैं, मूवमेंट होती है, उसका प्रोसेस है। ठीक है, रेस्पायरेशन, हम सांस लेते हैं, उसका प्रोसेस है। हमारे ग्रोथ का प्रोसेस है। एक्सक्रीशन, हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, ये चीज़ें, वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर आता है। ठीक है, इसके अलावा ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म, हमारी जो एक्टिविटीज होती हैं बॉडी के अंदर, ये सब इनका प्रोसेस है, जिसकी वजह से लाइफ जो है वो सस्टेन्ड है। लाइफ इन्हीं प्रोसेस की वजह से जो है वो सस्टेन्ड है। ठीक है, फिर आती हैं डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ये तीन मेन ब्रांचेस थी जो मैंने आपको पढ़ा दी थी। ये डिविजन ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी आता है। ठीक है, ये डिविजन ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी आता है, चाहे वो डिविजन करके पूछ ले, चाहे वो मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी करके पूछ ले, तो आप लोग इसको इसी तरह से जवाब देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, अगर वो स्पेसिफिकली नाम लेकर पूछे कि डिफाइन मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, हिस्टोलॉजी, तो आपको उस हिसाब से ये सारी याद करनी है। आपने कोई एक दो छोड़नी नहीं, आपने सब याद करना है। ओके, अच्छा, ये तो मैंने आपको लिखवा दिया था। अब यहाँ पे आते हैं मॉडर्न सॉरी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैं कट करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से शुरू होगा आपका मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, एक्सटर्नल फॉर्म। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर से, यानी कि जो चीजें, अगर मैं एक प्लांट को देखूं वो बाहर से कैसा दिख रहा है, अगर मैं एक एनिमल को देखूं वो बाहर से उसको कैसे देखा जा रहा है, बाहर से उसकी स्टडी करने को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब अगर किसी भी बॉडी को बाहर से स्टडी किया जाए, अगर आप एक फ्रूट को स्टडी करते हैं, एप्पल एप्पल वगैरह की बात करते हैं, एप्पल को अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसकी मॉर्फोलॉजी में आप क्या बताएंगे? पहले आप ही बताएंगे वो गोल है, क्योंकि वो आपको नजर आ रहा है, वो राउंड शेप का है। ठीक है, इसके अलावा उसका कलर बताएंगे, तो येलो होगा या ग्रीन होगा अगर कच्चा है, या फिर रेड होगा।
ठीक है, तो ये सब आप मॉर्फोलॉजी को देखकर बताओगे, बाहर की चीजें, एप्पल की बाहर की चीजें देखकर बताओगे, ठीक है। इसके अलावा किसी भी प्लांट की बात कर लो, ये सब जो है वो मॉर्फोलॉजी के अंदर पड़ते हैं। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर से चीजें जो नजर आती हैं, जो बाहर से स्ट्रक्चर नजर आता है उसकी स्टडी। फिर एनाटॉमी, एनाटॉमी नहीं होता, दिस इज एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है कि जब आप इंटरनल यानी कि अंदरूनी चीज जब स्टडी करते हो, इंटरनल, अगर हम अपनी बॉडी के अंदर की बात करें तो उसकी उन स्ट्रक्चर्स की स्टडी हम किस में करते हैं, एनाटॉमी के अंदर करते हैं। इसी तरह प्लांट्स में भी इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, उनकी स्टडी भी एनाटॉमी में करी जाती है। फिर सेल बायोलॉजी, आपको पता है हमारी बॉडी किससे मिलके बनती है, सेल से। किससे मिलके बनती है, सेल से। सेल के बगैर हमारी बॉडी में कुछ भी मुमकिन नहीं है, ठीक है। सेल होगा तो हमारी बॉडी जो है वो बनेगी। जैसे घर को बनाने के लिए ब्लॉक्स चाहिए होते हैं ना, जो ग्रे कलर के होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, ब्रिक्स नहीं होते हैं, ब्रिक्स कुछ और होती हैं, ईंटें जिसे कहते हैं आप लोग, ठीक है। तो घर को बनाने के लिए ब्लॉक्स चाहिए होते हैं, इसी तरह हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सेल चाहिए होता है। ये सेल आपका बैटरी वाला सेल नहीं होता, ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो आपको अपनी आंखों से नजर नहीं आता, इसको बाकायदा तौर पे माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। बगैर माइक्रोस्कोप के बगैर सॉरी माइक्रोस्कोप के बगैर ये नजर नहीं आएगा, सही है। तो ये सेल की जो आप स्टडी करते हो, सेल की स्टडी करने को कहते हैं सेल बायोलॉजी। फिर है हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी कहते हैं ये जो सेल है ना, फॉर सपोज ये एक सेल है, ठीक है। जब हम बहुत सारे सेल्स आपस में मिला देते हैं, यानी कि एक सेल दूसरे सेल, 4 5 6 7 8 जितने मर्जी चाहे सेल्स आपस में मिला दिए, अब इन ग्रुप, ये ग्रुप हो गया ना सेल का, तो सेल के ग्रुप को कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक स्पेसिफिक काम कर रहे हों। ये क्या है, आर ओ यू, ठीक है। ग्रुप, GROUP, ग्रुप, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं ये। तो ये सेल का ग्रुप क्या कहलाता है, टिश्यूज, क्या कहलाता है ये, टिश्यूज। टिश्यू ये आपका पेपर टिश्यू नहीं होता, ये दूसरी चीज है। बायोलॉजी में इन टर्म्स का मतलब अलग अलग है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है, सेल का ग्रुप क्या कहलाता है, टिश्यूज कहलाता है। और इनके स्ट्रक्चर की स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग, हिस्टोलॉजी, ठीक है। फिर फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी कहते हैं कि जब आप किसी भी बॉडी का फंक्शन, क्या कैसे फंक्शन बॉडी परफॉर्म कर रही है, ऑर्गन, कोई भी आपका अंदर जो ऑर्गन है वो कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। हाथों का अलग फंक्शन है, पाँव का अलग फंक्शन है, आंखों का अलग फंक्शन है, ईयर का अलग फंक्शन है। तो हर एक ऑर्गन, हर एक बॉडी पार्ट की फंक्शन की स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं। फिर टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी कहते हैं कि भाई आपको ये पता है कि बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे जानदार हैं, बैक्टीरिया है, इसके अलावा प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिशेज अलग हैं, फ्रॉग्स अलग हैं, वाइल्ड एनिमल अलग हैं, पेट एनिमल्स अलग हैं। तो आपने ये देखा है भाई, इंसानों को इंसान क्यों कहा जाता है, प्लांट को प्लांट क्यों कहा जाता है, कोई वजह है ना, क्लासिफाई किया है, डिवाइड किया है। तो ये डिवीजन किस बेसिस पे हुई है, टेक्सोनॉमी के बेसिस पे हुई है, कि प्लांट्स को प्लांट्स क्यों कहा जाता है, एनिमल को एनिमल क्यों कहा जाता है, प्लांट और एनिमल अलग अलग क्यों है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि क्लासिफाई कर दिया कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और सब अलग अलग हैं, सबकी क्लासेस अलग हैं, सबका ग्रुप अलग है। इंसान को एक इंसान के ग्रुप में डाला जाएगा, ठीक है। एक गोट यानी कि जो बकरा होता है उसको बकरों के ग्रुप में डाला जाएगा, ना कि किसी गाय के ग्रुप में डाला जाएगा, है ना। क्योंकि बहुत सारे, अगर एक जगह बकरे खड़े हुए हैं और अगर आपको एक एक और अलग कहीं पे बकरा नजर आ रहा है, तो आप और आपको एक और गाय का ग्रुप नजर आ रहा है, तो आप क्या करोगे, बकरे को बकरे के ग्रुप के साथ मैच करोगे ना, यानी कि गोट को आप गोट के ग्रुप के साथ मैच करोगे। फ्रॉग, अगर इसी तरह फ्रॉग का ग्रुप है, फ्रॉग को आप फ्रॉग के ग्रुप के साथ मैच करोगे। इज दैट क्लियर। फिर है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स होती है कि आपकी हेरिडिटी की स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी। अब हेरिडिटी क्या होती है, आपको पता है कि जब आप पैदा होते हो तो आपके कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपके मदर फादर से मिलते हैं, कि आपके बाल, आपकी आंखें,
कुछ कुछ अम्मी पे गई हैं, कुछ अब्बू पे गई चली जाती हैं, आपके बालों का कलर या कभी आपके फेस एक्सप्रेशन, फेस फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल फीचर्स, ये सब आपके किस में चले जाते हैं, ये आपके पेरेंट्स पे जाते हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वहाँ उस आपसे जो बड़े होते हैं उन पे चले जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? जेनेटिक्स की वजह तो से होता है, ये हेरिडिटी की वजह से होता है। हेरिडिटी पूरा एक स्ट्रक्चर है, ये आप इंशाल्लाह आप जो हो वो क्लास 10th में पढ़ोगे, हेरिडिटी का एक चैप्टर है, ठीक है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में हेरिडिटी की आप स्टडी करते हो, ठीक है। हेरिडिटी क्या है? जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पेरेंट्स से मिलते हैं, जो फीचर्स आपको पेरेंट्स से मिलते हैं, उनकी स्टडी को आप हेरिडिटी कहते हो। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं कि ये फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की स्टडी, यानी कि एम्ब्रियो क्या होता है भाई, आपको ये पता है? जो छोटा, अगर हम छोटा सा प्लांट की बात करें, छोटे से प्लांट की, तो प्लांट कहाँ से बनता है? सीड से बनता है, बीज जो होता है, बीज के अंदर एक एम्ब्रियो होता है, उस एम्ब्रियो की स्टडी को हम लोग एम्ब्रियोलॉजी में कहते हैं, या फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कहते हैं, इसको एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी को एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एम्ब्रियो की स्टडी करने को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियो क्या होता था, क्या होता है, मतलब एम्ब्रियो ये होता है कि, अच्छा आपको ये भी पता है, ये तो प्लांट्स की बात हो गई, अब एनिमल्स की बात करते हैं। जो बेबीज होते हैं वो अपना 9 मंथ्स का पीरियड अपनी मदर की बॉडी में डिवेलप होते हैं, ठीक है। बेबीज इतनी जल्दी नहीं बनते, बेबीज को अपनी मदर की बॉडी में डिवेलप होना पड़ता है 9 मंथ्स के पीरियड में, ठीक है। तो वो जो 9 मंथ्स का पीरियड होता है उसके अंदर जो बॉडी डिवेलप, जो बेबीज जो हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं, यानी कि उनकी ग्रोथ हो रही होती है मदर बॉडी के अंदर, उन बेबीज को उस वक्त कहा जाता है एम्ब्रियो। क्या कहा जाता है? एम्ब्रियो। तो उसकी स्टडी एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहलाती है। या फिर अगर प्लांट्स की बात करें तो सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है। प्लांट्स का जो एम्ब्रियो होता है वो कहाँ पे होता है? सीड के अंदर होता है, बीज के अंदर एम्ब्रियो होता है। जब आप उसको सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर दबाते हो, फिर सनलाइट मिलती है उसे, फिर वाटर मिलता है, तो वो ग्रो बढ़ना शुरू होता है, ठीक है, वो बढ़ना शुरू होता है। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो का मतलब होता है जो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अभी फुली डेवेलप नहीं हुए, उनको डेवेलप होने के लिए एक स्पेशल प्लेस चाहिए। उस प्लेस में जब वो डेवेलप हो जाएंगे तो फिर वो क्या कहलाएंगे? वो एक वेल मेच्योर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। जैसे जो एग्स होते हैं, एग्स के, एग्स चूजे जो होते हैं वो एग से निकलते हैं ना, तो जब तक वो एग के अंदर है अभी वो डेवलप थोड़ी होते हैं, आराम से बहुत टाइम लगता है, अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल में 4 मंथ्स नहीं बल्कि 2 मंथ्स का पीरियड है, मुझे इतना एग्जैक्ट याद नहीं है, 2 मंथ्स का पीरियड है शायद, 2 मंथ्स या 120 डेज या मेरे ख्याल में 90 डेज का पीरियड है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, या मेरे ख्याल में और कम है इसका नहीं पता मुझे। लेकिन जो है चूजे होते हैं वो एग्स के अंदर डेवलप होते हैं, तो जब वो एग्स के अंदर होते हैं तो जब वो एम्ब्रियो कहलाते हैं, तो उसकी स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं या फिर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। पैलियंटोलॉजी, पैलियंटोलॉजी का मतलब होता है कि फॉसिल्स की स्टडी। अब फॉसिल्स क्या होते हैं? जो पुराने लिविंग ऑर्गेनिजम्स कभी जिंदा हुआ करते थे, अब उनके सिर्फ हमें जो है वो स्केलेटन मिलते हैं, जैसे डायनासोर्स पहले पहले हुआ करते थे, अब उनके सिर्फ स्केलेटन मिलते हैं, ठीक है, बोन्स मिलती हैं, उनकी हड्डियां मिलती हैं, उनके उनके ट्रेसेस मिलते हैं, और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है डायनासोर के अलावा, प्लांट्स में भी ऐसे बहुत सारे पहले लिविंग प्लांट्स हुआ करते थे, तो पहले पाया करते थे, अब नहीं पाया करते, ठीक है। तो उन रिमोट, रिमोट का मतलब होता है बहुत पुराने दौर में जो हुआ करते थे लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी स्टडी को हम फॉसिल्स कहते हैं, ओ सॉरी, उनको फॉसिल्स कहते हैं, और फॉसिल्स की स्टडी को हम पैलियंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पुराने दौर में पाए जाते थे, बहुत पुराने, वो तमाम तर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉसिल्स कहलाते हैं, जो अब जिंदा नहीं पाए जाते हैं, उनके सिर्फ ट्रेसेस मिलते हैं, बॉडी मिलती हैं, ठीक है। तो उनकी स्टडी को पैलियंटोलॉजी कहते हैं। फिर बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें आप लोग टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हो, जो बायोलॉजी की अंदर आई है। जैसे आपको पता है कैंसर का इलाज आ गया है, फिर
जो जिनको शुगर है उसका इलाज थोड़ा बहुत आ गया है। अब देखें, आपको पता है कि कोरोना वायरस आया था, अभी COVID-19 जो हुआ था, तो कोविड की वजह से बहुत सारे लोग, पेशेंट्स, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से अफेक्टेड हुए थे, और अब आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि कम होना शुरू हो गए, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट ने कुछ मेडिसिन वगैरह तैयार की हैं, वैक्सीन वगैरह तैयार हो रही हैं, तो ये बायोटेक्नोलॉजी की वजह से होता है। ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं हॉस्पिटल्स में, आपको एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे का पूरा वो प्रोसेस टेक्नोलॉजी है ना, ये सब तो टेक्नोलॉजी की स्टडी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती है, जो आपकी, जो डॉक्टर्स की, इसके अलावा जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, या फिर और लैब्स वगैरह जहाँ पे साइंटिस्ट अपना काम करते हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, और वो बायोलॉजी की वजह से आई हैं। बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों इंटर रिलेटेड भी हैं आपस में, और इन दोनों को यानी कि जो इक्विपमेंट्स आए हैं, जो आसानियाँ आहिस्ता आहिस्ता होती जा रही हैं, जिन टेक्नोलॉजीज की वजह से, जिन टेक्निक्स की वजह से, उनकी स्टडी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती है। सोशियो बायोलॉजी, इसमें आप सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हो कि एक दूसरे से लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या बिहेवियर है, बिहेवियर क्या है, एक दूसरे से क्या बिहेव करते हैं, इंसानों को इंसानों के साथ क्या बिहेवियर है, एनिमल्स के साथ इंसानों का क्या बिहेवियर है, ठीक है, सबका बिहेवियर अलग अलग होता है, और उसकी स्टडी को सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। फिर पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी और बॉडी में रहते हैं और फूड ऑब्टेन करते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे अगर बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ जाए, तो अभी वो हमारी बॉडी में रह रहा है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी भी बैक्टीरिया की, ठीक है, बैक्टीरिया फॉर सपोज, एक बैक्टीरिया है एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ए फॉर एप्पल, ठीक है, फॉर सपोज एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक बैक्टीरिया है जो किसी बॉडी के अंदर चला गया है, अब उस बॉडी में वो रह रहा है, रहने के साथ साथ उसको जिंदा तो रहना है ना, अब वो कोशिश करेगा तो जिंदा रहे, तो जिंदा रहने के लिए उसको फूड चाहिए, वो फूड अपनी अपन अब अपने पास से तो बनाएगा नहीं, तो जिस बॉडी में रह रहा है उसके पास से फूड ऑब्टेन करेगा और साथ में उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि किसी और बॉडी में रहते हैं और फूड ऑब्टेन करते हैं और उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं, उनको पैरासाइट्स कहते हैं। सिर्फ बैक्टीरिया नहीं होते, जर्म्स नहीं होते पैरासाइट, और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पैरासाइट होते हैं, ठीक है, जैसे लीच भी हो गया, इसके अलावा कुछ वॉर्म्स होते हैं, वो भी पैरासाइट्स होते हैं, आगे आप पढ़ोगे। पैरासाइटोलॉजी वो स्टडी है, सॉरी, स्टडी स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी, इज दैट क्लियर? पैरासाइट की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। अब आप ये सुन लें कि इसमें आपको क्या क्या करना है, सुन लें, ये जितने भी ब्रैकेट्स है ना इनको नहीं करना, बाकी डेफिनेशन है ना ये कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये सारी डेफिनेशन आप लोगों को करनी है। ये ब्रैकेट नजर आ रहा है आपको, ये ब्रैकेट कि जो चीज मैं कट कर रहा हूं ना, ये आप लोगों ने कॉपी नहीं करनी, ठीक है, द स्टडी से शुरू है, यहां से डेफिनेशन, हर ब्रांच की डेफिनेशन द स्टडी से शुरू है और यहां तक खत्म है, ठीक है, एंड तक, ये स्टडी नहीं करनी, मैं बाकी नहीं काट रहा, आपको बाकी खुद ही समझ आ जाना चाहिए, ठीक है, ये सब नहीं करना, ये नहीं लिखना, ये जो ब्रैकेट में चीज है ना ये नहीं लिखनी, समझ आ गई सबको? द स्टडी से शुरू होगा हर ब्रांच की डेफिनेशन और यहां तक इस तरह से खत्म हो जाएगी, तो ये आपने कॉपी में अपनी करना है। अच्छा, फिर फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी का मतलब है ड्रग्स का एक्शन जो होता है उसकी स्टडी, ड्रग्स यानी दवाइयां, फार्मेसी, फार्मेसी मतलब दवाइयां, ड्रग्स होते हैं, कुछ दवाइयाँ बहुत फायदेमंद होती हैं, जब आपको कोई इलनेस होती है तो आप उस वक्त आपको बहुत फायदा पहुंचाती हैं, कुछ ड्रग्स आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन वगैरह, दवा वगैरह जो होती है, तो इनकी स्टडी को हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, उनके एक्शंस क्या हैं उनकी स्टडी को फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। सेम गोज फॉर हियर, इसमें भी आपने ये नहीं लिखना, सही है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या कहती है कि
भाई आपकी बॉडी जो है वो मॉलिक्यूल से मिलके बनती है, एटम्स पता है ना, एटम्स क्या होते हैं, एटम वो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो बहरहाल केमिस्ट्री के टीचर से आप पूछिएगा कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब दो एटम आपस में मिलते हैं ना तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, जब दो एटम आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूल फिर आहिस्ता आहिस्ता सेल बनाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जो कि सेल बनाते हैं। मैं बायोलॉजी के लिहाज से बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मॉलिक्यूल्स की स्टडी होती है जो कि सेल्स बनाते हैं, उन मॉलिक्यूल की स्टडी जो सेल्स बनाते हैं वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं रिलेशनशिप विद ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, ये आपने नहीं लिखना। ठीक है, अच्छा अब आप सुने, बायोफिजिक्स, बायोफिजिक्स कहलाती है वो ब्रांच जिसमें आप फिजिक्स और बायोलॉजी के एक साथ टेक्निक्स क्या अप्लाई हो रही होती हैं, एक साथ क्या एक्सपेक्ट्स अप्लाई हो रहे होते हैं, ये सब आप बायोफिजिक्स में पढ़ते हैं। बायोफिजिक्स में बायोलॉजी फिजिक्स के एक साथ मेथड्स, एक साथ टेक्निक्स पढ़े जाते हैं। ठीक है, फिजिक्स और बायोलॉजी का ये कॉम्बिनेशन है बायोफिजिक्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये मैंने मार्क कर दी, ये आपने बायोफिजिक्स की डेफिनेशन लिखनी है। फिर आपने हेडिंग डालनी है रेडियो फिजिक्स की, किसकी हेडिंग डालनी है, रेडियो फिजिक्स की। रेडियो फिजिक्स की हेडिंग डाल के यहाँ से द रेडियो फिजिक्स ब्रांच वेयर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू ट्रेस ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स विद इन द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियो फिजिक्स की डेफिनेशन है, और बायोफिजिक्स की डेफिनेशन ये सेकेंड लाइन तक लाइफ तक है। ठीक है, अच्छा रेडियो फिजिक्स क्या होती है, रेडियो फिजिक्स अगर आपने एक्सरेज देखी है, एक्सरे जब करवाते हैं उसमें रेज निकलती हैं, इसी तरह रेडियो एक्टिव रेज भी होती हैं। ये आप जब आप आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे ना आपको तब समझ आएगा कि रेडियो एक्टिव क्या होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि रेडियो फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हो, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की स्टडी। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की स्टडी आप किसमें पढ़ते हो, रेडियो फिजिक्स में पढ़ते हो। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते क्या हैं ये आपको आगे चैप्टर में समझ आएगा, फिलहाल अभी आप इसको एज इट इज ऐसे ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी अब मैं आपको नहीं समझा सकता क्योंकि आपको अभी वो कॉन्सेप्ट नहीं है। जब आगे आप अगर आप आपके चैप्टर में आगे कोई ऐसी बात आएगी फिर मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि अभी आपके पास वो कॉन्सेप्ट नहीं है तो इस वजह से मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। आपको सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि ये जो डेफिनेशन है आपको इसमें क्या याद रखना है, सबसे पहली बात कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की स्टडी को क्या कहते हैं, रेडियो फिजिक्स कहते हैं, जो कि आपकी लैब्स में वगैरह में ये आइसोटोप्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, आपकी केमिस्ट्री लैब में, आपके फिजिक्स लैब में भी कभी कभी इस्तेमाल होते हैं ये, जो बड़ी बड़ी लैब्स होती हैं, आपकी स्कूल लैब्स नहीं, दूसरी जो साइंटिफिक लेबोरेटरी होती है ना वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं ये आइसोटोप्स। ठीक है, अच्छा रेडियो फिजिक्स भी समझ आ गया। अब बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री की डेफिनेशन आपने पूरी कर लेनी है, ये पूरी डेफिनेशन आप लोगों ने अपने कॉपी में करनी है, यानी कि इसमें आप मैथमेटिक्स के कुछ एप्लीकेशंस अप्लाई करते हैं और कुछ डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कलेक्ट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री जो है वो आप बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के एक साथ होने वाले एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर है बायोकेमिस्ट्री, आप जिस तरह बायोफिजिक्स था उस तरह बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री भी आपने पूरी कर लेनी है। बायोकेमिस्ट्री में आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एक साथ एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं। एस्पेक्ट्स कहते हैं कि एक साथ जो क्या टेक्निक्स लग रही हैं, क्या मिलती जुलती टेक्निक्स हैं जो बायोकेमिस्ट्री में एक जैसी हैं, क्या ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मिला के कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बन सकती है, या फिर ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, केमिस्ट्री की वजह से होते हैं लेकिन हम अपनी बॉडी को बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, तो ये दोनों में इंटर रिलेशन हो गया केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तो ये आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में आप ये सब पढ़ते हो।
प्रोटीन, कैल्शियम, और इसके अलावा फैट्स, इसके अलावा आप कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब के स्ट्रक्चर की स्टडी आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो, इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों के एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, तो इनकी स्टडी को आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इन सब की डेफिनेशन आप लोगों ने पूरी करनी है, बायोमैथमेटिक्स की भी, बायोकेमिस्ट्री की भी, इसके अलावा बायोफिजिक्स की, ये शुरू की 2 लाइन है, और रेडियो फिजिक्स मैंने आपको बता दिया। रेडियो फिजिक्स, अच्छा, रेडियो फिजिक्स की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ यहां से लेकर मैंने मार्क कर दिया, ये है यहां तक, ओके। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब मैं मार्किंग करवा रहा हूँ ना वीडियो में, तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करें, ताकि आप पहले पहले मैं बोला करूं, फिर आप पॉज करा करें, मार्क करा करें, फिर वीडियो दोबारा चला दिया करें। इससे ये होगा कि आप लोग, वीडियो चलती रहेगी, फिर आप लोगों का काम आगे निकल जाएगा, फिर आप दोबारा पीछे आओगे। तो रिवाइंड करके आराम से देख लीजिएगा, आपके पास वीडियो है, बहुत अच्छा तरीका है आपको समझ आने का, ठीक है। बायो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी कहते हैं कि वर्ल्ड के जितने रीजन्स होते हैं, क्या कहाँ कहाँ कौन सी जगह है, और इसके अलावा हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस पे पाया जाता है। जैसे पोलर बेयर गर्मियों में यहाँ पे यहाँ पे आपको पोलर बेयर नहीं नजर आएगा, यहाँ पे कोई वाइल्ड एनिमल नहीं नजर आएगा, सबकी अलग अलग जो है वो जगह है, स्पेसिफिक रीजन्स हैं, स्पेसिफिक जगहें हैं। ज्योग्राफी सबकी अलग अलग है, ज्योग्राफिकल लोकेशन सबकी अलग अलग है, वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग हैं सब, हर जगह। तो इसमें जो स्टडी, ये इन इन सब चीज़ों की जो स्टडी करते हैं आप, वो बायो ज्योग्राफी के अंदर करते हैं, और बायो ज्योग्राफी भी आपने पूरी लिखनी है, ठीक है, पूरी पूरी लिखनी है, ये भी पूरा, बायो केमिस्ट्री भी पूरी लिखनी है आपने, बायो मैथमेटिक्स भी पूरी लिखनी है आपने, सही है। फिर बायो इकोनॉमिक्स भी आपने पूरी लिखनी है, ठीक है, बायो इकोनॉमिक्स भी पूरी कॉपी करनी है। बायो इकोनॉमिक्स क्या है? बायो इकोनॉमिक्स ये है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, आपकी जो मुल्क है उसकी इकोनॉमी, यानी कि मुल्क कैसे चल रहा है, किन चीज़ों की वजह से मुल्क चल रहा है, जैसे और उन सब के क्या प्रोसेसेस हैं, जैसे फॉर सपोज मीट, गोश्त प्रोडक्शन, गोश्त कैसे बनता है, आपको पूरा प्रोसेस है, एनिमल्स को ज़िबा करना पड़ता है वगैरह वगैरह। फिर आप कभी कभी गोश्त को बाहर एक्सपोर्ट भी करते हो, या आपके जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह, या आपके चावल, राइस, आटा, वीट जिसे कहते हैं, ये सब जो है वो बाहर मुल्क में एक्सपोर्ट किया जाता है, कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें बाहर से मंगाई जाती हैं पाकिस्तान, और ये इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं। और इसी से रिलेटेड इकोनॉमिक्स में बायोलॉजी का क्या जो है वो इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि क्या क्या, जैसे मीट प्रोडक्शन, यानी कि कैसे मीट बनता है, तो ये मीट का प्रोडक्शन तो पूरा बायोलॉजी में पढ़ोगे ना, लेकिन मीट प्रोडक्शन ये आपको जो है वो प्रॉफिट भी कमा के दे रहा है, अगर आप मीट को प्रोड्यूस करके बाहर भेजते हो, आउट ऑफ द जो है वो कंट्री अगर आप भेजते हो, तो उसकी स्टडी आप क्या कर, जो उसकी स्टडी है फॉर सपोज वो बायो इकोनॉमिक्स में आती है, ठीक है। बायो इकोनॉमिक्स में आप इकोनॉमिक्स प्लस बायोलॉजी के एस्पेक्ट्स पढ़ते हो। फिर कैरियर ऑफ बायोलॉजी, अच्छा, बायोलॉजी का कैरियर ये है। अब कैरियर का मतलब ये होता है कि बायोलॉजी ने कितनी तरक्की की है, ठीक है, ये नहीं कॉपी करने की जरूरत है, इसको बस पढ़ लीजिएगा। ये जो मैं कट कर रहा हूं ना, ये आप अपनी बुक में मत करिएगा, ये आपको अपनी बुक में कट करने की जरूरत नहीं है, पेंसिल से करिएगा, अगर कर भी रहे ना तो पेंसिल से करिएगा, लाइट पेंसिल से, ताकि आपको नजर आ जाए, पेन से मत करिएगा, क्योंकि तो आपने पढ़ना है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें बायोलॉजी ने तरक्की करी है, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं इसके अलावा भी, आपकी बुक में सिर्फ यही गिवन है, मेडिसिन एंड सर्जरी। अच्छा, मेडिसिन एंड सर्जरी एमबीबीएस जो होता है, एमबीबीएस जब डॉक्टर बनते हैं तो आपको एमबीबीएस करना पड़ता है, मेडिसिन में बैचलर्स करना पड़ता है, सर्जरी में सर्जन जो होते हैं जो आपका ऑपरेशन करते हैं, मेडिसिन में फार्मिस्ट होते हैं,
ये सब बायोलॉजी ने इनमें तरक्की करी है. बायोलॉजी की वजह से मेडिसिन आई है, सर्जरी आई है, मेडिसिन डील्स विद डायग्नोसिस. यानी कि जब आपको कोई बीमारी होती है, डॉक्टर आपको बीमारी का बीमारी बताता है, डायग्नोस करता है, फिर मेडिसिन का काम होता है आपको सही करना है जब आप उसको इनटेक करते हो. और अगर कोई अल्लाह ना करे बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम है तो वो सर्जरी के जरिए निकाला जाता है, रिप्लेस किया जाता है, रिमूव किया जाता है. फिर एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर कहलाता है. एग्रीकल्चर जो है वो आपने PhD में भी पढ़ा है. एग्रीकल्चर कहते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं. डेयरी प्रोडक्ट मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है. मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं. जैसे दही वगैरह हो गया, या फिर आप लोग जो दूध लेने जाते हो, मिल्क वगैरह जो हो गया, ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है. एग्रीकल्चर में सब इसके बारे में पढ़ते हो कि क्रॉप्स कैसे बनती हैं, यानी कि चावलों की खेत कैसे होती है, फ्रूट्स कहाँ बनते हैं, वेजिटेबल्स कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, तो ये सब एग्रीकल्चर में करते हो. हॉर्टिकल्चर में आप पढ़ते हो, ये भी एग्रीकल्चर का एक पार्ट है, जिसमें आप लोग न्यू प्लांट्स, वैरायटी ऑफ प्लांट्स और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ते हो. लेकिन ये सिर्फ हॉर्टिकल्चर सिर्फ प्लांट्स के बारे में है. हॉर्टिकल्चर सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ाया, यानी कि बताता है. क्योंकि जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स भी आ जाती है ना इसमें, लेकिन हॉर्टिकल्चर में सिर्फ आप प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो कि प्लांट्स जो हैं वो कैसे, यानी कि और भी नई नई जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, आप किन किन वैरायटीज के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है वो आप अपने मुल्क में, अपने लैंड पे, आप अपने जो आपका एरिया है वहाँ पे आप ये प्लांट्स को बना सकते हो, उनको प्रोड्यूस करवा सकते हो, उनके प्रोडक्ट्स को बना सकते हो, ये हॉर्टिकल्चर में आता है, ठीक है. फॉरेस्ट्री यानी कि फॉरेस्ट वगैरह, जंगलात जो होते हैं, ये सब आपको पता है कि लकड़ियाँ वगैरह जो बहुत अच्छी अच्छी लकड़ियाँ होती हैं जिनसे आपका फर्नीचर बनता है. फॉरेस्ट्री, कभी आप फॉरेस्ट बनाते हो, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट को ख़त्म करना भी अच्छा नहीं है. फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाए वो भी अच्छा नहीं है, तो आपको मेंटेन करना पड़ता है, सब चीज़ें मेंटेन रखनी पड़ती हैं. तो फॉरेस्ट्री में आप क्या करते हो, आप फॉरेस्ट की प्रोडक्शन और फॉरेस्ट कैसे रिमूव होते हैं, इन सब की स्टडी, यानी कि इन, अच्छा, फॉरेस्ट का आपके सिस्टम पे, आपकी अर्थ पे क्या इफेक्ट है, ये सब आप किसमें पढ़ते हो, फॉरेस्ट के अंदर पढ़ते हो, यानी कि फॉरेस्ट्री के अंदर पढ़ते हो. फॉरेस्ट्री में आप फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हो, जंगलात के बारे में पढ़ते हो, ठीक है. फार्मिंग कहते हैं कि ये कभी आपने देखा है, फिश फार्मिंग होती है, यानी कि जो फिश, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो के लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉरी वो ह्यूमन बींग्स, वो ह्यूमन बींग्स जो के आप फिशेज को कलेक्ट करते हैं, यानी कि फिशेज पानी में से निकाल के बेचते हैं, वो समंदर के अंदर जाते हैं और फिर फिश कैच करते हैं. कुछ कैटल फार्म, यानी कि ये जो गाय बकरे वगैरह जो है वो इनको जो है वो संभालते हैं. बकरीद जब आती है तो कैटल फार्म के नाम से जो आप लोग कहते हैं मंडी वगैरह, मंडी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कैटल फार्म कहते हैं. तो कैटल फार्म जो होता है वो क्या होता है, ये जो लैम्स, गोट, काउज वगैरह का फार्म होता है, ये कैटल फार्म कहते हैं, ठीक है. इसके अलावा पोल्ट्री फार्म भी होता है. पोल्ट्री फार्म जो होता है वो हेन वगैरह, जो चिकन वगैरह होती है ना, उनकी फार्मिंग होती है, यानी कि उनको रखा जाता है. कुछ को मीट के लिए भी, ये मीट के लिए भी काटा जाता है, कुछ को एग्स के लिए जो है वो रखा जाता है, ठीक है. तो ये सारी जो है वो फार्मिंग कहलाती है, यानी कि इनकी देखभाल करना और फिर इनसे प्रॉफिट कमाना, ठीक है. इनकी वजह से मीट आता है, इनकी वजह से मिल्क आता है, इनकी वजह से लेदर, मतलब जो जिनसे आपके शूज बनते हैं, जिनसे आपके जैकेट्स बनते हैं, ये लेदर होते हैं, वुल जिनसे आपका स्वेटर बनता है, ठीक है. ये सब जो है वो इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म से आता है. इनकी स्टडी ये फील्ड जो कहलाती है फार्मिंग कहलाती है, ठीक है.
फिर है एनिमल हस्बेंड्री। अच्छा, एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है भाई? आपको पता है कि एनिमल्स जो है उनमें इंसानों की तरह अकल तो पाई नहीं जाती, तो कुछ कुछ एनिमल्स को जो है वो ब्रीड करवाना पड़ता है। यानी कि ये भी एक पूरी फील्ड है। ब्रीड का मतलब ये होता है कि उनमें रिप्रोडक्शन करवानी पड़ती है। ये ह्यूमन बींग्स करवाते हैं ताकि जैसे अगर फॉर सपोज किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिस एनिमल्स की बात करते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी नस्ल अब बहुत कम रह गई है, तो उनको रिप्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि उनकी नस्ल आगे बढ़ सके। तो ये भी पूरी एक फील्ड है एनिमल हस्बेंड्री के नाम से। एनिमल हस्बेंड्री जो है वो इसी चीज से डील करती है, ठीक है। फिर फिशरीज, फिशरीज में आप फिशेस को डील करते हो, फिश वगैरह को कैसे पकड़ा जाता है, फिश की क्वांटिटी और इसके अलावा उनकी प्रोडक्शन, कैसे फिश को जो है वो, अगर आपके फार्म है फिश फिश का, जाहिर सी बात है उनका एक अलग एटमॉस्फेयर होता है, उस एटमॉस्फेयर का ध्यान रखना पड़ता है। ये सब फिशरीज में आता है। फिशरीज, फिशेज आर द इम्पोर्टेंट सोर्स एंड मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये आपका एक कंपोनेंट है खाने का, फूड का कंपोनेंट है, फूड का पार्ट है प्रोटीन, ठीक है। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ये मैंने आपको बता दिया है। बायोटेक्नोलॉजी में वो टेक्नोलॉजी आती है जो आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स आते हैं, जिनकी वजह से डॉक्टर्स की आपकी लाइफ आसान हुई है। पहले थर्मामीटर नहीं होता था, थर्मामीटर की वजह से आप अपना बुखार या फिर बॉडी टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। इसके अलावा एक्सरेज की वजह से आपको पता लगता है कि कहीं पे अगर कोई हड्डी टूटी है तो आप एक्सरे करवाते हो, या कोई कोई कहीं कोई और मसला है तो वो भी दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट से सही हो, मतलब सही क्या मतलब डायग्नोस होता है। या कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, वैक्सीन्स आ गई हैं जिनसे आपको बीमारियों से बचाया जाता है, या फिर आपको अगर कोई इलनेस है तो वो उसी की वजह से ठीक हो जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजीज के बारे में आप स्टडी करते हैं और ये कोई अलग फील्ड है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है इसमें, मेडिसिन एंड सर्जरी पूरा करना है, एग्रीकल्चर भी पूरा करना है, हॉर्टिकल्चर भी पूरा करना है, फॉरेस्ट्री भी पूरा करना है, फार्मिंग भी पूरा करना है, एनिमल हस्बेंड्री भी पूरा करना है, और फिशरीज और बायोटेक्नोलॉजी भी पूरा करना है, ठीक है। ये अच्छा, अब ये घबराई है नहीं कि इतना बड़ा सवाल है। कोई भी आपसे पेपर में कोई भी दो या तीन पूछे जाएंगे, लेकिन आपने याद सब करने हैं। तो ये भी आपने अपनी कॉपी में उतार लेना है, ठीक है। आपने मेन हेडिंग क्या आएगी, पहले मेन हेडिंग लिखिएगा आप कैरियर्स इन बायोलॉजी। क्या लिखेंगे? कैरियर्स इन बायोलॉजी पहले आप लिखिएगा। उसके बाद आपने ये वाला पैराग्राफ नहीं लिखना। उसके बाद आप मेडिसिन से शुरू करिएगा, मेडिसिन एंड सर्जरी की हेडिंग आएगी, फिर इसका नीचे मटेरियल आएगा, एग्रीकल्चर की हेडिंग आएगी, फिर नीचे मटेरियल आएगा, और आपने इसी तरह याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर वाला तो समझ आ गया ना सबको? नहीं समझ आया तो वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा, ये मैंने आपको लिखवा दिया है। अच्छा, ये फिर आता है कुरानिक वर्सेस, यानी कि कुरान की आयतों में बहुत सारी ऐसी, यानी कि कुरान में भी अल्लाह ने बहुत सारी चीजें ऐसी फरमाई हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है। और मेरे हिसाब से ना आपको, अच्छा, कुरानिक वर्सेस, कुरानिक आयत जो है ना वो आती है पेपर में, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये याद नहीं करनी चाहिए। कुरानिक वर्सेस में आपको बिल्कुल यही वर्डिंग्स लिखनी पड़ती हैं। फिर आपने ये भी हवाला देना पड़ता है, यानी कि ये भी आपने लिखना पड़ता है किस सूरत से है और कौन सी आयत है। तो इस वजह से आपको यही सब नहीं याद रहेगा, तो मेरे हिसाब से आप इसको स्किप कर दें, ठीक है। अगर आप में किसी से अगर आपने इसमें से कुछ पढ़ना है तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, लेकिन आप इसे याद मत करिएगा। क्योंकि याद करने का मतलब यह है कि आपने अगर इसमें गलती कर दी तो मतलब ये कुरान की आयत है, और कुरान की आयत में गलती करने का मतलब बहुत गुनाह मिलेगा। तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंस है कि आप इसको याद कर सकते हो और बिना गलती के लिख सकते हो पेपर में, तो मैं इजाजत दे रहा हूँ, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि गुनाह आपको मिलेगा अगर आपने कोई भी गलती करी। आपने बीच में छोड़ दिया फिर भी ये तो इनकम्प्लीट होगी ना आयत, तो जब भी आपको गुनाह मिलेगा। तो इस वजह से बेहतर ये कि इसको नहीं याद करें, आप इसको सिर्फ पढ़ लें कि क्या क्या कुरान में
बायोलॉजी की फील्ड के बारे में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्या क्या फरमाया है कुरान में, ठीक है? ये आयत लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही ये आपने इसका जो तर्जमा है ये लिखना है, ठीक है? अच्छा, फिर आपने हेडिंग डालनी है कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। क्या हेडिंग डालनी है? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, यानी कि कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिनकी वजह से बायोलॉजी के अंदर, यानी कि बायोलॉजी खुद तरक्की नहीं कर सकती ना, बायोलॉजी को तरक्की करवाने वाले साइंटिस्ट मौजूद थे। बहुत सारे साइंटिस्ट थे आपकी पुरानी बुक में, आपकी अब इस बुक में सिर्फ तीन के नाम है और ये आपने तीनों पूरे एज इट इज ऐसे ही कॉपी करने हैं, एज इट इज ऐसे ही। इनकी इनकी सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन है। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि इनके क्या क्या इन्होंने काम करे अपनी जिंदगी में इस फील्ड के अंदर, बायोलॉजी की फील्ड के अंदर क्या क्या काम करे हैं। जैसे जाबिर बिन हयान एक साइंटिस्ट था, इसने क्या किया था, इसने एक बुक लिखी थी अल नबातात और अल हैवान, ठीक है? ये बुक जो थी इसने लिखी थी बायोलॉजी के अंदर। अल नबातात जो है वो प्लांट्स के बारे में है और अल हैवान जो है वो एनिमल्स के बारे में है। अल नबातात जो है वो प्लांट्स के बारे में है और अल हैवान जो है वो एनिमल्स के बारे में है। ये बुक इसने अपनी जिंदगी में लिखी थी, बायोलॉजी को स्टडी करने के बाद इसने ये बुक लिखी थी अपनी तरफ से। इसने केमिस्ट्री की भी स्टडी करी थी। इसके अलावा अब्दुल मलिक असमाई ने भी बहुत सारी किताबें लिखी थी। यहाँ पे उसकी किताबों की जो है वो नाम लिखे मैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। फिर है बू अली सीना, ये आपने, ये साइंटिस्ट था, इसने भी बहुत सारी बुक्स लिखी थी। इसके और भी काम थे जैसे टीबी की बीमारी, इसी ने जो है वो टीबी हो गया, इसके अलावा मेनिंगाइटिस हो गया, ये इसने बीमारियां जो है वो इसने डिस्कवर की थी कि ये बीमारियां ऐसी होती हैं। ये एक मैथमेटिशियन था, एस्ट्रोनॉमिस्ट था, फिजिसिस्ट था, ठीक है? इसने बहुत सारे काम करे सिर्फ बायोलॉजी में नहीं, बायोलॉजी में नहीं सिर्फ, और भी फील्ड में इसने बहुत सारे काम करे, इन दोनों साइंटिस्ट में भी और भी बहुत सारे फील्ड में काम करे। शुक्र करें आपकी आपकी बुक में सिर्फ तीन है कर दिए, वरना पहले बहुत सारे हुआ करते थे, अब सिर्फ तीन है। तो याद आपने तीनों पढ़ने, ठीक है? ये भी आपने कॉपी करना है, ये भी कॉपी करना है और ये भी करना है। लेकिन है, अच्छा हेडिंग डाल के आराम आराम से ये कॉपी करिएगा। ये चीज कॉपी करने की जरूरत नहीं है, जो इसका टाइम पीरियड लिखा ये नहीं पूछा जाएगा, तो ये कॉपी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने सिर्फ क्या लिखना है, साइंटिस्ट का नाम लिखना है और इसके नीचे ये सब पूरा मैटर एज इट इज ऐसे ही कॉपी करना है। ये वाला कंटेंट भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, ये हेडिंग डालिएगा पहले आप, ठीक है? कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, फिर जाबिर बिन हयान की हेडिंग डालिएगा, ये कॉपी करने की जरूरत नहीं है। फिर इसका नीचे वाला मैटर ये लिख लीजिएगा, फिर अब्दुल मलिक असमाई, इसी तरह इसका मैटर और फिर नीचे वाला साइंटिस्ट, ठीक है? फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या पढ़ते हो, ये अच्छा ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, ये सब नहीं आएगा पेपर में, लेकिन लेकिन इसमें बहुत सारी छोटी छोटी डेफिनेशन है, वो मैं आपको मार्क करवाऊंगा, वो आपने करनी है बस, बाकी आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे लगेगा आगे चैप्टर में ये सब तमाम तर चीजें मौजूद हैं तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? ये सब आपने यहाँ से कॉपी नहीं करना, आगे होगा चैप्टर में तो ये आप चैप्टर में आगे से कर लीजिएगा, अगर ये आगे चैप्टर में हुआ, वरना आपको मैं इसी में से करवा दूंगा, ठीक है? अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, सॉरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यहां पे आप देख रहे हैं एटम, क्या लिखा हुआ है एटम, एटम ये है स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है ये, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। फिर जब एटम आपस में मिलता है क्या बनता है, मॉलिक्यूल, मैंने आपको बताया ना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। फिर मॉलिक्यूल आपस में मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल। फिर बड़े मॉलिक्यूल मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। फिर सेल का ग्रुप, जब एक सेल होता है वो खाली सेल कहलाता है, फिर सेल जब एक साथ मिलते हैं तो वो टिश्यूज बनाते हैं जो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर
टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, आपके बॉडी के पार्ट्स जिनको ऑर्गन कहते हैं, फिर ऑर्गन क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं आपका पूरा बॉडी का सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है, जो हम बने हुए, हम एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हम ऑर्गन से बने हुए, ठीक है, पहले हम हमारे अंदर एटम्स थे, एटम्स के बाद मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल्स के बाद मैक्रोमॉलिक्यूल्स बने, मैक्रोमॉलिक्यूल के बाद सेल बना, सेल के बाद टिश्यू बना, फिर टिश्यू के बाद ऑर्गन बना, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बना, फिर ऑर्गेनिज्म बन गया, ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन बनी, या पॉपुलेशन क्या होती है, फिर कम्युनिटी बनी, अभी आपने इतना याद रखना है, ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन आई, फिर पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के बाद बायोस्फीयर, बायोस्फीयर ये सब क्या है मैं आपको अभी आगे बता रहा हूँ। अच्छा ये आपने पढ़ना है, सिर्फ खाली क्या करना है, ये पढ़ना है, ये आपने कॉपी में नहीं करना, ये वाली हेडिंग आपने कॉपी में करनी है, ये सिर्फ आपने क्या करना है, पढ़ना है, इसकी रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। एटॉमिक लेवल और ऑर्गेनाइजेशन ये है कि एटम से कैसे चीजें बनती है, यानी कि छोटे से पार्टिकल, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैटर है जिससे मैटर बनता है, फिर मैटर इसके जो है वो तीन पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। एक एटम के कितने पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे जो आपको केमिस्ट्री का टीचर पढ़ाएगा। फिर एटम से आपको मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी कि पहले एटम थे, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल बने, ये मॉलिक्यूलर लेवल हो गया, ये पहले पहला लेवल क्या था, एटॉमिक लेवल था, उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल आ गया। मॉलिक्यूल जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल बनने के बाद अब फिर सेलुलर लेवल आ गया, मैक्रोमॉलिक्यूल था, मैक्रोमॉलिक्यूल भी मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर ही आता है। ये दोनों लेवल्स क्या क्या हैं, ये मैक्रोमॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल, ये दोनों लेवल जो हैं वो किस लेवल पे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे, और ये लेवल कौन सा है, एटॉमिक लेवल है, यानी कि ठीक है एटॉमिक लेवल, यानी कि जब एटम की स्टेज में एटम से शुरू होती है, फिर मॉलिक्यूल्स पे आते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर दो चीजें हैं, मॉलिक्यूल और मैक्रोमॉलिक्यूल, पहले मॉलिक्यूल बनता है फिर मैक्रोमॉलिक्यूल, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, यानी कि मॉलिक्यूल के बाद मैक्रोमॉलिक्यूल आता है, मैक्रोमॉलिक्यूल का मतलब बड़े मॉलिक्यूल, सेल, फिर सेल आ जाते हैं, यानी कि सेलुलर लेवल, सेल क्या था, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, यूनिट ऑफ लाइफ था जिससे हमारी पूरी बॉडी बनती है, ठीक है। फिर ये सेलुलर लिविंग, ये जो सेलुलर लेवल था ऑर्गेनाइजेशन का, ये सेलुलर लेवल जो है, यानी कि जब आप एक सिंगल सेल की बात करें तो वो सेलुलर लेवल होता है, ठीक है। अब आपने ये प्रोटोप्लाज्म की हेडिंग डालनी है, ठीक है, और ये आपने प्रोटोप्लाज्म की हेडिंग डाल के ये प्रोटोप्लाज्म लिखना है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म की हेडिंग आएगी और प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन दो लाइनों की आ गई, समझ आ गया सबको, ये प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन आ गई, इज दैट क्लियर, ठीक है। अच्छा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप सेल के बारे में, सिर्फ खाली सेल के बारे में पढ़ते हो, फिर सेल किस तरह जो है वो टिश्यूज बनाता है, फिर टिश्यूज किस तरह से ऑर्गन्स बनाते हैं, यहाँ पे ऑर्गन लिखा हुआ है, फिर ऑर्गन किस तरह से ऑर्गन सिस्टम बनाता है, पूरा प्रोसेस है, पता है ना आपको, ये पूरा प्रोसेस है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये पूरा सा प्रोसेस है जो आपको बायोलॉजी में जब आप आगे चैप्टर्स में आओगे तो आपको पता चलेगा ये ऑर्गन सिस्टम कितने तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं और एक्सेट्रा, इनके क्या प्रोसेस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टैक्सोनॉमिकल लेवल, अच्छा प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, इज दैट क्लियर। टैक्सोनॉमिकल लेवल, टैक्सोनॉमिकल लेवल के अंदर आप पहले यहां से लेकर यहां तक स्पीशीज की हेडिंग डालिएगा, क्या ये जो हाईलाइट हुआ है ना स्पीशी, स्पीशीज की हेडिंग डालिएगा और ये यहां से लेकर द स्पीशीज से लेकर ऑफस्प्रिंग तक कॉपी कर लेना है आपने, ठीक है। ये स्पीशीज की डेफिनेशन हो गई, ये पूछा जाता है। फिर उसके बाद पॉपुलेशन, नीचे नंबर फिफ्थ पे देखें, यहां से लेकर यहां तक पॉपुलेशन की डेफिनेशन, पॉपुलेशन की हेडिंग आएगी ये वाली, और पॉपुलेशन की ये दो लाइन की डेफिनेशन हो गई।
सॉरी, पॉपुलेशन की डेफिनेशन पूरी है, यहां तक नहीं है। सही है, पॉपुलेशन की ये पूरी डेफिनेशन आएगी। ये हेडिंग नहीं आएगी पॉपुलेशन लेवल, हेडिंग क्या आएगी? पॉपुलेशन की हेडिंग आएगी, और आपने ये पूरी डेफिनेशन लिखनी है। सही है, समझ आ गया सबको? अच्छा, अब ये पॉपुलेशन हो गया, अब कम्युनिटी देखते हैं। कम्युनिटी की डेफिनेशन ये पूरी आ जाएगी, कम्युनिटी की डेफिनेशन मेरी, ठीक है, कम्युनिटी की ये वाली डेफिनेशन आ गई। अब इकोलॉजिकल सिस्टम, और फिर बायोस्फीयर, बस बाकी आपने सिर्फ पढ़ लेना है, और जिन जिनकी डेफिनेशन मैंने मार्क कराई है वो आपने मार्क कर लेनी है और उनको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, सेलुलर लेवल हो गया, अब पढ़ते हैं टेक्सोनोमिकल लेवल। टेक्सोनोमिकल लेवल क्या होता है कि आपने देखा है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग-अलग होता है, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना ग्रुप होता है। इंसानों का अपना ग्रुप है, एनिमल्स का अपना ग्रुप है, प्लांट्स का अपना ग्रुप है। अगर हम गुलाब के फूल के प्लांट की बात करें तो उसका अपना ग्रुप है, अगर हम काउस के ग्रुप की बात करें तो उसका अपना ग्रुप है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक, यानी कि एक दूसरे से अलग 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 है, पहली बात तो ये है। दूसरा कि अगर हम सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे इंसानों की बात करें, तो आप जितने भी इंसान आपस में एक जगह नजर आएंगे, तो हर इंसान एक दूसरे से मिलता जुलता होता है ना। इसी तरह हर एनिमल एक दूसरे से मिलता जुलता है। जीब्रा की बात करें, शेर की बात करें, अगर शेर की बात करें तो जितने भी आप शेर देखोगे आपको वो एक जैसे नजर आएंगे। तो ये स्पीशीज कहलाती हैं। एक जैसे दिखने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? स्पीशीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पीशीज कहा जाता है। जैसे हम एक स्पीशी हैं, इस तरह काउ भी एक स्पीशी है, गोट भी एक स्पीशी है, लॉयन भी एक स्पीशी है, फिश भी एक स्पीशी है। यानी कि फिश, अगर आप जितनी भी फिशेस देखोगे वो एक जैसी नजर आती हैं। फिश को आप एनिमल के साथ कंपेयर नहीं करोगे, काउ के साथ कंपेयर नहीं करोगे, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक स्पीशी में नहीं है, दोनों अलग, दोनों की स्पीशी अलग अलग है। यानी कि फिश की अपनी है और काउ की अपनी है, ठीक है। पॉपुलेशन क्या होती है कि बहुत सारे एक जैसे दिखने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म जब आपस में उनका ग्रुप जो होता है वो क्या अलग क्या कहलाता है? पॉपुलेशन। जैसे इंसानों का ग्रुप क्या कहलाता है? पॉपुलेशन। यहाँ पे एग्जांपल दी गई पैरिट, जितने भी पैरिट्स आप देखोगे वो सब एक जैसे होते हैं, और उनका ग्रुप क्या कहलाता है? पॉपुलेशन कहलाता है। अब कम्युनिटी, कम्युनिटी में अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। यानी कि अगर हम इस पूरे एरिया की बात करें तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स भी हैं, यहाँ पे एनिमल्स भी हैं, यहाँ पे इंसान भी हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया भी है, यहाँ पे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये पूरे कम्युनिटी हो गई। यानी कि अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पाए जाते हैं। समझ आ गई सबको? तो ये कम्युनिटी होती है जहाँ पे डिफरेंट पॉपुलेशन के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जैसे बर्ड्स हो गया, बर्ड्स लिविंग ऑन ट्री, बर्ड्स लिविंग ऑन ट्री, या फिर जो समंदर, समंदर में अलग अलग किस्म की मछलियां पाई जाती हैं, शार्क, फिर स्टार फिश हो गई, इसके अलावा ईल हो गई, इसके अलावा कैट फिश हो गई, अलग अलग है ना, सारी फिशेज एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है। तो जितने भी फिशेज हैं वो क्या है इन, मतलब सबके अलग अलग स्ट्रक्चर है, सबका अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर है, सब कुछ के, यानी कि कुछ फिशेस जो है वो उनके पास फिन्स हैं, कुछ के पास नहीं है, यानी कि ये सब अलग अलग पॉपुलेशन की फिशेस हैं। तो ये जितने भी आपके पास अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह रह रहे होते हैं ना, इनको कम्युनिटी कहते हैं। फिर इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है? आप जिस सिस्टम में रह रहे हो, आपका एनवायरनमेंट, आपका माहौल, ये सब इकोलॉजिकल सिस्टम कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इकोलॉजिकल सिस्टम की भी डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, ये पूरी डेफिनेशन आपने इकोलॉजिकल सिस्टम की भी लिखनी है। अच्छा, क्योंकि मैं देख रहा हूं ना यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, प्रॉपर डेफिनेशन है। मुझे अगर लगेगा कि कोई डेफिनेशन मुझे अपने पास से करवानी होगी तो मैं अपने पास से करवा दूंगा, लेकिन बुक में इकोलॉजिकल सिस्टम की डेफिनेशन चाहिए कि आप इकोलॉजिकल सिस्टम की डेफिनेशन
लिख लीजिएगा बायोस्फेयर लेवल, बायोस्फेयर लेवल आपका पूरा अर्थ पे कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, क्या क्या एक दूसरे पे क्या क्या इफेक्ट करते हैं, ये पूरा बायोस्फेयर होता है। बायोस्फेयर इज योर वर्ल्ड, बायोस्फेयर आपकी पूरी दुनिया है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, जहां पे लाइफ पाई जाती है दुनिया में वो बायोस्फेयर कहलाता है। और बायोस्फेयर की भी आपने क्या लिख देनी है, डेफिनेशन लिखनी है, लेकिन आपने हेडिंग क्या डालनी है, बायोस्फेयर की हेडिंग डालनी है। इसकी हेडिंग डालनी है बायोस्फेयर की हेडिंग डाल के आप ही लिखिएगा। इकोलॉजिस्ट, इकोलॉजिकल सिस्टम में आप इकोलॉजी की डेफिनेशन, इकोलॉजिकल सिस्टम में आपने क्या लिखनी है, इकोलॉजिकल सिस्टम की हेडिंग डालनी है और इकोलॉजिकल सिस्टम की ये पूरा डेफिनेशन लिखनी है। बायोलॉजिकल और सॉरी बायोस्फेयर लेवल के अंदर आपने इसकी हेडिंग नहीं डालनी, आपने किसकी हेडिंग डालनी है, बायोस्फेयर की हेडिंग डालनी है। सही है। फिर यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो के जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, आपको वो नजर नहीं आते, यूग्लीना हो गया, पैरामीशियम, अमीबा, ये सब यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। आपको प्रैक्टिकल में ये सब दिखाए जाएंगे माइक्रोस्कोप से, इनके पास सिर्फ एक सेल होता है, ये सारे यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। आपने ये भी पूरी डेफिनेशन एज इट इज ऐसी लिखनी यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की, सॉरी यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की हेडिंग डालिएगा और आपने ये पूरी डेफिनेशन एज इट इज ऐसी लिख लेनी है। सही है। फिर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल का मतलब होता है जो कॉलोनीज में रह रहे हैं, यानी के जो एक सेल वाले जानदार हैं, यानी कि उनके पास एक सेल है लेकिन वो ग्रुप बना के रह रहे हैं, तो उनको कॉलोनी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं। तो ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, यानी के बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग जो है वो रहना पसंद करते हैं और कुछ एक साथ। जैसे आपने देखा है जब पानी बहुत, बारिश का पानी बहुत जगह देर तक जम जाए, खड़ा रह जाए, तो उसके ऊपर ग्रीन सी लेयर आ जाती है। क्या आ जाती है, ग्रीन सी लेयर, उसको कहते हैं ग्रीन एल्गा। क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गा। क्या कहलाता है, ये जो लिखा हुआ है ना टर्म, ग्रीन एल्गा कहलाता है। ये जो ग्रीन एल्गा है ये कॉलोनी की फॉर्म में, किस फॉर्म में, कॉलोनी की फॉर्म, कॉलोनी की फॉर्म में रहता है ये, यानी कि बहुत सारे सेल्स एक साथ आपस में मिलके रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल्स आपस में एक साथ रहते हैं जिसको कॉलोनी फॉर्म कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक डेफिनेशन है, ग्रीन एल्गा तक इसकी डेफिनेशन है, मैनी से स्टार्ट होगी और ग्रीन एल्गा तक इसकी डेफिनेशन है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो मल्टी सेलुलर की डेफिनेशन आप यहाँ यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से स्टार्ट करिएगा, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सेल्स अगर एक पूरी बॉडी को बनाते हैं, अच्छा कॉलोनी में बॉडी नहीं बन रही, कॉलोनी में, क्योंकि कॉलोनी में बस एक साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलके, एक साथ मिलके सेल्स रह रहे हैं एक जगह, वो आपस में मिलके एक ग्रुप नहीं बना रहे, वो बस एक साथ रह रहे हैं। ये ग्रुप अलग होता है, ग्रुप अलग होता है जब सेल ग्रुप फॉर्म कर लें और एक पूरा स्ट्रक्चर बना लें, वो फिर मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, जैसे हम हैं, जैसे प्लांट्स हैं, जैसे एनिमल्स हैं, और भी इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो मल्टी सेलुलर हैं, जिनके पास बहुत सारे सेल्स हैं, एक सेल नहीं है, इनकी बॉडी एक सेल से नहीं बनती, बहुत सारे सेल से बनती है। और ये भी आपने डेफिनेशन पूरी लिखनी नहीं है। सही है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की भी इस तरह लिखनी है, यहाँ से लेकर एल्गा तक है, और मल्टी सेलुलर लिविंग और यूनी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी इस तरह से डेफिनेशन लिखनी है, पूरी है। सही है, बाकी मैंने आपको पिछला काम बता दिया। फिर ये एग्जाम्पल दी हुई है मस्टर्ड प्लांट की, फ्रॉग की, ठीक है, अमीबा की, वॉलबॉक्स, ये सब आपने करना नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बता देता हूं ये है क्या।
अच्छा, मस्टर्ड प्लांट कहलाता है ब्रासिका। क्या कहलाता है? ब्रासिका, ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। ब्रासिका कंपेस्ट्रिस जो है इसका साइंटिफिक नेम है, ब्रासिका बायोलॉजिकल नेम है, यानी कि बायोलॉजी में अलग अलग नाम है सबके। तो मस्टर्ड, सरसों का नाम सुनो ना, सरसों का तेल जिससे निकलता है वो सरसों के फूल से निकलता है, सरसों का जो पौधा होता है उससे निकलता है, और उसका बायोलॉजी में साइंटिफिक नेम है मस्टर्ड, सॉरी ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। ठीक है, ये पूरा जो है ये पूछा नहीं जाता ना, ये इसकी डायग्राम आपके पास बनाने को आएगी, बस ये एग्जाम्पल है मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कि मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है वो एक एग्जाम्पल है कि इसमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं मस्टर्ड प्लांट्स में। फिर फ्रॉग आ गया, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना है। क्या है साइंटिफिक नेम? राना टिग्रीना। ये भी मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फिर ये छोड़ दें आप, ये आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, बहरहाल ये आपके पेपर में एग्जामिन नहीं हुआ, ये प्रैक्टिकल में आता है। अच्छा, इसको लाजमी पढ़ना है आपने, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव नर्वस, ये सब सिस्टम है आपकी बॉडी में या फिर प्लांट्स की बॉडी में, सॉरी प्लांट्स में नहीं होते, प्लांट्स में नहीं होते, ये फ्रॉग बोल रहा हूँ, सॉरी फ्रॉग की बॉडी में ये सारे सिस्टम, या फिर एनिमल की बॉडी में भी ये सारे सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, सारे सिस्टम्स होते हैं जो आप बताते हो। ठीक है, ये हमारी बॉडी फ्रॉग की बॉडी थोड़ी सी मिलती जुलती है, तो इस वजह से फ्रॉग का डायसेक्शन किया जाता है। फ्रॉग को डायसेक्ट करके उनके सिस्टम को दिखाया जाता है, जिसमें डाइजेस्टिव होता है, सर्कुलेटरी होता है, रेस्पिरेटरी होता है, एक्सक्रीटरी होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, अलग अलग सिस्टम होते हैं जिनमें सारे ऑर्गन्स हैं, सबके अलग अलग ऑर्गन्स हैं, और ये आपको पढ़ना है क्योंकि एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है इसमें से, कि डाइजेस्टिव सिस्टम में बताएं कौन कौन से जो है वो ऑर्गन्स पाए जाते हैं, वो आपसे पूछ लेगा, तो आपके पास ऑप्शंस होंगे, आपको टिक मार्क करना पड़ेगा, तीन गलत होंगे एक सही होगा। ठीक है, अच्छा, अब आपने इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें से एमसीक्यूज आएगा, ये सब आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे। अच्छा, फिर अमीबा, व्हाट इज अमीबा? अमीबा एक यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अमीबा क्या है? सिंगल, ये दिख रहा है आपको, दिस इज अमीबा, ये स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा है, ये पूरा एक सेल है, बस एक सेल है ये, और ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, इसका बस अजीब सा शेप होता है, ये आपको पढ़ने की जरूरत, मतलब एमसीक्यू उसके लिए तो जरूरत है, लेकिन ये याद करने के लिए मैं नहीं कहूंगा कि आप याद करें, आपको इसको एज इट इज बस ऐसे ही जो है वो पढ़ लेना है, क्योंकि एमसीक्यूज इसमें से आएंगे, जो चीज आपको समझ नहीं आएगी वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, फिर वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स कॉलोनियल फॉर्म में पाया जाता है, जो कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था, ये वॉल्वॉक्स इसकी एग्जाम्पल है। कहाँ गया ये रहा, ये वॉल्वॉक्स इसकी एग्जाम्पल है, एक और ये रहा वॉल्वॉक्स। तो वॉल्वॉक्स जो है वो कॉलोनी फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये भी एल्गा है, ग्रीन एल्गा जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर एंड हो गया, ये समरी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत छोटा सा चैप्टर था, आप वीडियो को आराम आराम से देखिएगा, पॉज करके फिर आप ये जो है वो एमसीक्यूज को करिएगा, चैप्टर पढ़ने के बाद आपने एक बार सुन लिया, फिर आप चैप्टर को खुद से पढ़िएगा, एमसीक्यू सॉल्व करिएगा। स्कूल में आके आप अपने फ्रेंड से जो आपके साथ बैठते हैं, आप अपने फ्रेंड से टैली करिएगा, मार्किंग करिएगा, जो मैच नहीं होगा वो आप फिर क्लास में पूछिएगा, जो आपको समझ नहीं आएगा फिर मैं आपको क्लास में बताऊंगा जो चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आएगी। बाकी अगर आपको वीडियो में कुछ समझ ना आए तो आप रिवाइंड करके दोबारा देख लें। अच्छा, एक और बात, जब मैं आपको कुछ मार्किंग करवा रहा हूं ना, जब भी मैं आपको मार्किंग करवा रहा हूं कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, तो आपने वीडियो को पॉज कर देना है, मार्किंग जब मैंने करवा दी वीडियो को पॉज करना है उस वक्त, फिर आप मार्किंग करिएगा। मार्किंग करने से होता क्या है? मार्किंग करने से ये होगा
कि आपको टाइम मिलेगा पढ़ना, वीडियो आगे चली जाएगी, ठीक है, तो आप कितनी बार रिवाइंड करेंगे, तो आप पहले, मैं मार्किंग कराऊंगा, फिर आप पॉज करके खुद मार्क करिएगा, फिर आगे वीडियो चलने दीजिएगा, ठीक है? ओके क्लास, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ।